आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट, बिकॉज मेनी अ टाइम आई हैव सीन द पीपल हु गेट कंफ्यूज्ड इन द टर्म्स लाइक जज एंड मैजिस्ट्रेट. सो वेलकम फ्रेंड, आई एम योर होस्ट नितिन लाडे एंड लेट्स बिगिन द शो. सो हियर लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट. जज जिसे कि हिंदी में हम न्यायाधीश कहते हैं एंड मैजिस्ट्रेट जिसे कि हम दंडाधिकारी कहते हैं. सो देर आर टू टाइप ऑफ केसेस. यहाँ पे दो प्रकार की केसेस होती है, वन इज सिविल केसेस एंड अनदर इज क्रिमिनल केसेस. सिविल केसेस जिसे कि हम हिंदी में व्यवहार मामले कहते हैं एंड उर्दू में ही उसे दीवाने मामले भी कहा जाता है. क्रिमिनल केसेस जिसे कि दांडिक मामले या फिर फौजदारी मामले कहते हैं. तो आइए इनका मतलब समझ लेते हैं. सिविल केसेस की इन्फॉर्मेशन हमें सीपीसी के 1908 सेक्शन 9 में प्रोवाइड होती है, अकॉर्डिंग टू विच इफ यू डिमांड फॉर योर राइट एंड कंपनसेशन देन दैट टाइप ऑफ केसेस इंक्लूड्स इनटू द सिविल केसेस. मतलब कि आप अपने अधिकारों और क्षतिपूर्ति की मांग के लिए केस अगर फाइल करते हैं तो वो केस हमारी सिविल केसेस में इंक्लूड होंगी. एंड इन क्रिमिनल केसेस देर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर द डिफरेंट क्राइम एंड इफ यू डिमांड फॉर पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजनमेंट देन दैट टाइप ऑफ केसेस इंक्लूड इन टू द क्रिमिनल केसेस. मतलब कि यहाँ पे अपराधों के लिए स्पेसिफिक प्रावधान होते हैं एंड अगर आप इसमें पनिशमेंट के लिए या फिर दंड की मांग करते हैं लाइक इम्प्रिजनमेंट देन दैट टाइप ऑफ केस इज इंक्लूड इन टू द क्रिमिनल केसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है और आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं इन डिमांड ऑफ योर राइट, मतलब अपने अधिकारों के लिए कि आपकी जमीन आपको वापस कर दी जाए, एंड अगर आप उससे कंपनसेशन चाहते हैं कि जितने भी दिनों तक उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी का यूज किया है उसकी नुकसान भरपाई आपको मिले, तो इन दैट केस आपकी केस सिविल केसेस के टाइप में फाइल हो जाएगी. ऑन अदर हैंड इन द सेम सिचुएशन इफ यू फाइल अ केस इन डिमांड ऑफ पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि आप दंड की मांग करते हुए केस को फाइल करते हैं विद इन द सेम सिचुएशन देन इट इंक्लूड्स इनटू द टाइप ऑफ क्रिमिनल केसेस. तो सेम केस आपकी क्रिमिनल केसेस के टाइप में फाइल हो जाएगी. यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट पे गौर करते हैं. सम केसेस आर ऑफ ड्यूअल नेचर, सो इन दैट केस योर डिमांड ऑफ रिमेडी डिसाइड्स इन विच टाइप इट इंक्लूड्स. मतलब कि ड्यूअल नेचर के केसेस में योर डिमांड ऑफ रिमेडी, मतलब आपकी क्षतिपूर्ति की मांग, दैट इज आप राइट्स की मांग कर रहे हैं या फिर पनिशमेंट की मांग कर रहे हैं, वही डिसाइड करेगी इन विच टाइप ऑफ केस इट इंक्लूड्स, मतलब कि वो सिविल केसेस में जाएगी या फिर क्रिमिनल केसेस में जाएगी. नाउ हियर वी कम टू द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, जिसे कि लोअर कोर्ट कहा जाता है और हिंदी में इसे निचली अदालत कहते हैं. अगर आप लोअर कोर्ट में सिविल केस फाइल करते हैं तो वो आपकी केस सिविल कोर्ट में फाइल होगी और उसे जो ऑफिसर प्रिसाइड करेंगे उसे कहा जाएगा जज, सिविल जज, जिसे हिंदी में व्यवहार न्यायाधीश कहते हैं. एंड इसमें हमें कॉपीराइट पेटेंट जैसे मामले देखने मिलते हैं. अगर आप लोअर कोर्ट में किसी क्रिमिनल केस को फाइल करते हैं तो इस क्रिमिनल केस की हियरिंग मैजिस्ट्रेट करते हैं, जिन्हें कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, इसे दंडाधिकारी कहते हैं, और इसमें मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी जैसे मामलों को सॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट और सेकंड लेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मिलता है, इसे हिंदी में जिला और सत्र न्यायालय भी कहा जाता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप कोई सिविल केस फाइल करते हैं तो उसकी हियरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी और जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे जज, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप कोई क्रिमिनल केस फाइल करते हैं तो उसकी हियरिंग सेशन कोर्ट में होंगी और जो ऑफिसर इसे प्रिसाइड करेंगे वो होंगे जज, सेशन जज, जिसे हिंदी में हम सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें वो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की. यहाँ पे ओनली प्रिसाइडिंग चेयर प्रोसीड सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. प्रिसाइडिंग चेयर से मेरा मतलब है कि प्रिसाइडिंग पोजीशन, यहाँ पे एक ही प्रिसाइडिंग पोजीशन रहेगी जो कि सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस को हैंडल करेंगी और यहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उन्हें कहा जाएगा जस्टिस, हिंदी में इसे हम न्यायमूर्ति कहते हैं. नाउ लास्टली अगर हम बात करें हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, जो कि होती है चीफ जस्टिस की. हियर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज सीजीआई इज द हेड ऑफ द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मतलब कि जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं. एंड अगेन सीजीआई ऑल्सो हेड्स देयर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब जुडिशरी ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रशासनिक जो फंक्शंस होते हैं उनको भी सीजीआई ही हेड करते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्मॉल नॉलेजेबल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए. अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए. एंड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.